तो गाइज़ आप अपने चैनल के ऊपर डेली वीडियोज़ अपलोड करते हो, लेकिन जो व्यूज़ है गाइज़ वो 4 से 5 व्यूज़ आके जो आपका वीडियो है वो स्टक हो जाता है, रुक जाता है। उसके बाद उसके ऊपर बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आते, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 व्यूज़ आते हैं या 20-25 व्यूज़ आते हैं। उसके बाद जो वीडियो है गाइज़ पूरी तरह से डेड हो जाता है, उसके ऊपर बिल्कुल भी उसके बाद व्यूज़ नहीं आते। तो ऐसा क्या करेगा इसकी जिसकी वजह से हमारा जो वीडियो है वो फिर से ग्रो होने लगे, उसके ऊपर फिर से अच्छे खासे व्यूज़ आ सके। तो इस वीडियो में गाइज़ हम डिटेल में देखेंगे, तो वीडियो को कहीं भी स्किप मत करना। वीडियो पर पहली बार आए हो तो गाइज़ वीडियो को लाइक करना, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आगे भी आपको इस तरह के वीडियो मिलते रहे। तो गाइस सबसे पहले की बात होती है आपका थंबनेल, टैग, टाइटल, टैग्स, ये सब आपने सही दिए, ठीक है। ये नहीं बोल रहा कि ये सब करना है आपको, इसके ऊपर पहले वीडियो बना चुका होगा गाइस। आपने टाइटल सही दिया है, टैग सही से लगाए और थंबनेल भी एक अट्रैक्टिव और क्लिक बेट लगाई, लेकिन फिर भी जो गाइस आपके वीडियो के ऊपर व्यूज़ है वो नहीं आ रहे, तो फिर क्या करें गाइस? ये सब भी सही है लेकिन फिर भी व्यूज़ नहीं आते, तो क्या करें? तो सब बहुत आसान है गाइस, आपको करना क्या है, आपको सिंपली जाना है आपके ऑडियंस में। तो चलिए आप मोबाइल में दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले क्या करना है गाइस, आपको आपका YT स्टूडियो ओपन कर लेना है। YT स्टूडियो ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, ऑडियंस के ऊपर जाना है, ठीक है। आपके चैनल की जो ऑडियंस दिखाई देता है आपको उधर जाना है। इधर आप देख सकते हैं गाइस मेरे चैनल के ऊपर पिछले कुछ दिनों में या 28 दिनों में कितने व्यूज़ आए, कितने घंटे का इधर वॉच टाइम आए, ठीक है, या फिर कितने सब्सक्राइबर्स गाइस मैंने हमने इधर गेन किए, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस पिछले 7 दिनों के अंदर 90+ सब्सक्राइबर्स इधर जो है गेन हुए हमारे चैनल के ऊपर। अब करना क्या गाइस आपको, अगर आपका वीडियो जो है वो ग्रो नहीं होता तो आपको बहुत ही आसानी गाइस 2 से 3 मिनट का वीडियो बनेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो सिंपली गाइस इधर आपको करना क्या है, आपका जो पब्लिश टाइम है वो बहुत ही ज़्यादा गलत है, ठीक है, या फिर गलत तरीके से आप वीडियो अपलोड करते हो। सबसे पहले गाइस तो आपको वीडियो बनाने के बाद जल्दी नहीं करनी, मतलब जैसे बना ले वैसे अपलोड नहीं करना गाइस। आपको पहले चेकआउट करना है आपकी ऑडियंस कब एक्टिव रहती है, ठीक है, क्योंकि उन तक जो गाइस आपको वीडियो वो पहुँचना बहुत ज़रूरी होता है। किसी के भी पास जाके कोई फ़ायदा नहीं, आपका जो वीडियो हो सही ऑडियंस के पास जाना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके लिए क्या करना है गाइस, आपको एक पूरा आपका जो ऑडियंस है वो चेक करना है किस टाइम पे आपकी ऑडियंस जो है वो एक्टिव रहती है, ठीक है। तो बहुत आसान है गाइस, सबसे पहले क्या करना है आपको ऑडियंस में जाना है, ऑडियंस सेक्शन में। इधर आपको ऑडियंस का पूरा टाइम दिख जाएगा, ठीक है, यानी किस टाइम आपकी ऑडियंस जो है वो एक्टिव रहती है। लेकिन जो इधर ग्राफ दिख रहा है गाइस इसके हिसाब से आपको वीडियो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करना। आपको क्या करना है, नीचे आना है और इधर आपकी ऑडियंस कौन कौन सी ऑडियंस आपका जो वीडियो है वो देखती है वो आपको चेक करना है, ठीक है। अंडर 18 के 18 प्लस, ठीक है, तो कौन सी ऑडियंस किस टाइम एक्टिव रहती है वो आपको पता चल जाएगा। थोड़ा सा आपको भी दिमाग जो है गाइस लगा लेना है। तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऑडियंस इधर मेरा वीडियो को देख रही है गाइस, आप देख सकते हैं जो 18 प्लस है, ठीक है, 18 साल के ऊपर की ऑडियंस है वो ज़्यादा मेरा इधर वीडियो देखती है। तो जाहिर सी बात है गाइस जो 18 साल के ऊपर है वो ज़्यादातर कहीं पे स्कूल में होंगे या फिर कॉलेज में या फिर कहीं पे काम करते होंगे, तो पूरा दिन तो ऐसे खाली बैठे नहीं रहेंगे। तो वीडियो पब्लिश करने का सबसे सही टाइम क्या है इनके लिए गाइस, या तो सुबह जल्दी करो या फिर शाम 5 बजे के बाद में करो, ठीक है, तब जाके ये थोड़े बहुत फ्री हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन तो गाइस एक कॉलेज में तो होंगे या फिर कहीं जॉब पे वगैरह होंगे, ठीक है, तो उस समय तो गाइस वीडियो देखने से रहे आपके। तो इस तरह से गाइस आपको जो पब्लिश टाइम है वो आपको थोड़ा बहुत सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है, आपके वीडियो के हिसाब से, यानी ऑडियंस के हिसाब से आपकी जो वीडियो हो कौन सी ऑडियंस ज़्यादा देख रही है, अंडर 18 वाली देख रही है या फिर 18 प्लस वाली देख रही है, इसके हिसाब से आपको वीडियो को पब्लिश करना है। तो अगर गाइस ऐसा करते हो आप तो आपकी जो वीडियो राइट टाइम पे एक राइट ऑडियंस के पास जाएगी, ठीक है, और तब जाके गाइस आपकी जो ऑडियंस है वो उसके ऊपर वीडियो देख सकती है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि देखेगी, लेकिन चांसेस बढ़ जाते हैं गाइस कि आपके जो व्यूज़ है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो गाइस इस तरीके से आप अपने वीडियो को अपलोड करोगे तो गारंटी देता हूँ मैं आपके जो वीडियो की ग्रोथ है वो अच्छी खासी आपको देखने को मिल जाएगी। तो कभी भी जल्दी नहीं करना गाइस वीडियो को अपलोड करने में, जल्दी नहीं करना, एक राइट टाइम पे ही वीडियो अपलोड कर देना है। और सिर्फ इतना ही नहीं गाइस, कभी कभी क्या होता है गाइस आपकी ऑडियंस किस टॉपिक को सर्च कर रही है ये भी आपको इधर शो कर देगा, YT स्टूडियो दिखा देता है, ठीक है, मतलब आपकी ऑडियंस क्या देखना चाहती है। अगर आप उसके रिलेटेड वीडियोज़ बनाते हो, आपके ऑडियंस के हिसाब से वीडियो बनाते हो, तो इधर अब ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं आपकी वीडियो से ऊपर ज़्यादा व्यूज़ आने के, ठीक है, क्योंकि ऑडियंस को गाइस आपको वो देना चाहिए जो उनको चाहिए, ठीक है, कुछ भी बना के कोई फायदा नहीं गाइस। ऑडियंस सबसे ज़्यादा आपकी क्या देखना चाहती है उसके ऊपर आप अगर वीडियो बनाते हो तो उधर गाइस ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं कि आपकी वीडियो जल्दी वायरल हो जाए। तो है गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।